हर हफ्ते की तरह हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते में अलग अलग चैनलों पर हुई डिबेट में किन मुद्दों को तवज्जो दी गई। पहले बात करते हैं एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के शो की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा की। पहला, न्यूज मीडिया में टीआरपी का फर्जीवाड़ा। दूसरा, किसान आंदोलन सिर्फ बातचीत और फैसले का आंदोलन नहीं। तीसरा, टीआरपी का फर्जीवाड़ा और अर्नब गोस्वामी का खेल। चौथा, क्या अर्नब का ये चैट राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का केस नहीं। पांचवा, रैली विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए कोर्ट का रुख करना कितना जायज। रवीश अक्सर देश में चल रहे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके बारे में विस्तार से बताते भी हैं। देश में किसान आंदोलन के साथ ही एक और मुद्दा धीरे धीरे सुर्खियां बटोर रहा है जो अर्नब से जुड़ा है। रवीश ने इस मुद्दे पर चर्चा की और जानकारी भी दी। 16 जनवरी से रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट वायरल है। आमतौर पर ऐसे मामले में संज्ञान लेने वाली संस्था एनआईए भी सक्रिय नहीं है। कम से कम मुंबई पुलिस से पूछ सकती थी कि इस चैट की सच्चाई क्या है। गृह मंत्रालय पूछ सकता था मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र सरकार से कि इसकी सच्चाई क्या है। देश को उसके बाद बताया जा सकता था, नहीं बताया गया। सरकार क्या इसलिए चुप थी कि विपक्ष भी इस चैट पर बोलने से संकोच कर रहा है? लेकिन लोग तो बातें कर रहे हैं। यह मामला क्या है, अब इस पर आते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी को लेकर फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है। इसके तहत बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता गिरफ्तार हैं और अभी अस्पताल में है। मुंबई पुलिस के अनुसार अर्नब ने पार्थो दास गुप्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपए दिए हैं और बदले में दास गुप्ता उनकी मदद करते रहे कि कैसे रेटिंग आ सकती है। अब बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पुणे प्रसून वाजपेयी की, जो अपनी वीडियो के जरिए जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जरूरी समझा। पहला, सरकार अहंकार के रास्ते, किसान संघर्ष के रास्ते। दूसरा, आंदोलन से डरी सरकार का आखिरी दांव किसके हक में। तीसरा, कैसे सरकार पर भरोसा हो जब वो जनता को ही लूट रही हो। चौथा, फार्मर्स एंड एनआईए नोटिस, मंत्री करें बात संतरी भेजे नोटिस। पांचवा, फिर तारीख, सरकार अड़ी है या मजबूरी में खड़ी है। पुणे प्रसून वाजपेयी अक्सर देश में चल रहे मुद्दों को विस्तार के साथ जनता के सामने रखते हैं। इस बार उन्होंने किसान आंदोलन पर चर्चा की और कुछ अहम जानकारी भी दी। अब सवाल यह है, क्या वाकई आंदोलन की दिशा अब नए सिरे से निर्धारित की जाएगी? क्या किसान आंदोलन अब अपनी जमीन को बिना सरकार पुख्ता बनाने की दिशा में बढ़ेगा? हफ्ते भर बाद पार्लियामेंट भी शुरू हो रही है, बजट भी आने वाला है और उन सब के बीच सबको पता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी स्ट्रेंथ कम है, ताकत कम है, वो पार्लियामेंट के भीतर में किसानों के पक्ष में खड़े होंगे। हो हल्ला होगा, हंगामा होगा, लेकिन इसका दूसरा सच ये है कि राजनीतिक दलों के भीतर चाहे नैतिक ताकत मौजूदा सत्ता सरकार के विरोध करने के लिए उतनी ताकत के तौर पर ना बची हो जिस ताकत से उन्हें आवाज उठानी चाहिए, या वो कोई एक बड़ी लकीर खींचने की स्थिति में चाहे ना हो, लेकिन इस देश में पहली बार एक आंदोलन ने उस राजनीति से बड़ी लकीर खींच दी है जिसके भीतर में तमाम राजनीतिक दलों की मजबूरी हो गई है कि वह तो इस आंदोलन के साथ खड़े हो जाए या फिर इस आंदोलन को साजिश करार दे। अब बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार की चाटुकारिता करने में व्यस्त है। सबसे पहले नंबर आता है रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी का। देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश के लिए जरूरी समझा। पहला, पाकिस्तान में कब थमेगा अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार। दूसरा, क्या कुछ लोग किसान आंदोलन को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। तीसरा, क्या राहुल गांधी भी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं। चौथा, सवालों से भागने वाला सबूत गैंग किस अधिकार से पूछ रहा है सवाल। पांचवा, सच्चे पत्रकार से डरा आतंकिस्तान। अर्नब ने कई मुद्दों पर अपनी डिबेट में चर्चा की जिसमें विपक्ष और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। देखते हैं वह पाकिस्तान को लेकर इस बार क्या टिप्पणी करते नजर आए। दोस्तों, आज पाकिस्तान की पूरी दुनिया के सामने इज्जत उतर गई। 5 दिन पहले जो ये इमरान खान मुझसे सवाल पूछ रहे थे, आज वो किसी भी हिंदुस्तानी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस में आज भारत ने पाकिस्तान को जमकर खड़ी कोठी सुनाई और पाकिस्तान के डिप्लोमैट्स चुपचाप सिर झुकाकर सुनते रहे। इमरान का नया पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने पानी पानी हो गया। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर
जुल्म हो रहा है, हिंदू सिख ईसाई कोई वहां सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हिंदू लड़कियों को अगवा कर मुसलमान लड़कों से जबरन शादी कराई जा रही है। अब बात करते हैं न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को चर्चा करने के लिए अहम समझा। पहला, कृषि सुधार पर तकरार, पेच बरकरार। दूसरा, कैसे निकलेगा किसान आंदोलन का समाधान। तीसरा, कश्मीरी पंडितों के दर्द पर सबसे बड़ा शो, 31 साल का दर्द। चौथा, वेब सीरीज पर बात करने का वक्त आ गया है, आस्था के अपमान का तांडव। पांचवा, कांग्रेस का आंदोलन या अराजक एजेंडा। अमीश द्वारा उठाए ज्यादातर मुद्दे विपक्ष को टारगेट करते दिखाई दिए और सवाल भी विपक्ष से ही किए गए। खैर, अमीश ने किसानों का मुद्दा भी उठाया, देखते हैं कि वे इसको लेकर क्या जानकारी दे रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच आज 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन वापसी की कानून वापसी की जिद पर अड़े किसानों को आज सरकार ने भी बड़ा सख्त रुख दिखाया। सरकार की तरफ से कहा गया कि हम पिछली बैठक में ही आपको बेस्ट ऑफर दे चुके हैं, आप लोग इस पर फिर विचार करिए। यानी आज सरकार ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया। पिछली बैठक में सरकार ने कहा था कि हम 1.5 साल या 2 साल तक कानून रोकने को तैयार है। ये सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल थी इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, लेकिन आप कमेटी में आकर बातचीत कीजिए और जब तक सहमति नहीं बनेगी हम ये कानून लागू तक नहीं करेंगे। यानी कि इसमें किसानों की जीत हो रही थी। कृषि क्षेत्र से जुड़े कई एक्सपर्ट ने इस ऑफर की जमकर तारीफ भी की थी। उनका मानना था कि शायद कोई भी सरकार इस तरह का फैसला नहीं ले जो मोदी सरकार ने ले लिया है, लेकिन आंदोलन पर अड़े किसान या फिर उनके पीछे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो टस से मस होने को तैयार नहीं। असल मीडिया और गोदी मीडिया में फर्क हम आपको दिखाते रहेंगे। अब इन दोनों में से आपको किसको चुनना है, इसका चुनाव आपको करना है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।